जालौन जिले के सिहारी माधोगढ़ निवासी युवक की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी। युवक का सड़ा गला शव औरैया इटावा पुलिस ने शनिवार शाम औरैया जिले के बाकरपुर बोहरा हाईवे किनारे स्थित एक प्लॉट की चहारदीवारी के अंदर से बरामद किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। युवक की इसी साल मई में शादी हुई थी। सिहारी माधोगढ़ निवासी मोहम्मद आरिफ जो कि 25 साल का था, पुत्र अंसार की शादी शहरिया अशोकनगर इटावा निवासी शहर बानो पुत्री मोहम्मद शाकिर के साथ 16 मई 2022 को हुई। परिजनों के मुताबिक 9 जुलाई को आसिफ ससुराल गया, यहीं से आसिफ और शहरबानो घर जाने की बात कहकर निकले और फिर गायब हो गए। तभी से दोनों के परिजन उनकी खोजबीन में जुट गए थे। कुछ दिन पहले शहरबानो के परिवारजनों को उसके दिल्ली में किसी लड़के के साथ होने की जानकारी मिली। इस पर परिजनों ने इटावा में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस दिल्ली से शहरबानो को उसके बिदुना क्षेत्र के गाँव इंदाप मऊ निवासी प्रेमी प्रद्युमन के साथ इटावा लेकर आई। शहरबानो के मिलने पर आसिफ के परिजनों ने भी बेटे के लापता होने की सूचना इटावा पुलिस को दी। पुलिस की पूछताछ में शहरबानो व प्रद्युमन ने बताया, आसिफ की हत्या कर शव को औरैया के एक प्लॉट में फेंक दिया है। इस पर शनिवार की शाम इटावा पुलिस प्रेमी प्रद्युमन व शहरबानो को लेकर औरैया कोतवाली क्षेत्र के गांव बाकरपुर बोहरा स्थित हाईवे पहुंची। वहां पर एक प्लॉट की चहारदीवारी के अंदर से सड़ा गला आसिफ का शव बरामद हुआ। फिर औरैया कोतवाली पुलिस को खबर दी गई। कोतवाली पुलिस की सूचना पर पहुंचे बड़े भाई इरशाद ने कपड़े व जूते से उसकी शिनाख्त अपने भाई आसिफ के रूप में की। कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।